हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रियल एस्टेट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 22261 चेन्नई एगमोर रामेश्वरम सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिसे रेलवे से जुड़ी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी आपके पास पहुँच सके। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आप किसी फेवरेट ट्रेन का वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेन तमिलनाडु के चेन्नई एक मोड़ और रामेश्वरम के बीच में चलती है। इस ट्रेन में ICA ब्रेक यूज़ किया जाता है। इस ट्रेन को साउदर्न रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये सुपरफास्ट टाइप का ट्रेन है। और इस ट्रेन का चेन्नई से रामेश्वरम तक जो दूरी है वो है 601 किलोमीटर का। और इस ट्रेन का मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का चेन्नई से रामेश्वरम तक जाने में टाइम लगता है 25 मिनट का। रास्ते में इस ट्रेन का 15 स्टेशन पर हॉल्ट है। और इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा भी मौजूद है। तो चलिए अब इस ट्रेन के कोच पोजिशन और फेयर के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन में एक फास्ट एसी कम टू टायर एसी, एक सेकेंड एसी, 3 थर्ड एसी, 13 स्लीपर क्लास और 3 सेकेंड क्लास को शामिल है। और इस ट्रेन का चेन्नई एगमोर से रामेश्वरम तक जाने में जो कॉस्ट है वो है फास्ट एसी का 2155 रुपीस, सेकेंड एसी का कॉस्ट है 1295 रुपीस और थर्ड एसी का कॉस्ट है 925 रुपीस, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल। स्लीपर क्लास का कॉस्ट है 355 रुपीस, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और सुपर फास्ट चार्ज शामिल होता है। और सेकेंड क्लास का कॉस्ट है 205 रुपीस, जिसमें बेस फेयर चार्ज और सुपर फास्ट चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में आप जान लेते हैं। ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चेन्नई एगमोर से शाम के 5:45 पे 9 नंबर प्लेटफॉर्म। और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वह तम्बारमिया पर, यह 6:13 पर आता है और 6:15 पर रवान बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद चेंगलपट्टू जंक्शन यहाँ पर, ये 6:43 पर आता है और 6:45 पर रवान बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद मेलमाड़ू भतुर यहाँ पर, ये 7:08 पर आता है और 7:10 पर रवान बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद तिंदीवनम यहाँ पर, ये 7:33 पर आता है और 7:35 पर रवान बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद विल्लुपुरम जंक्शन यहाँ पर, ये 8:20 पर आता है और 8:25 पर रवाना बबरत का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद वृद्धाचलम जंक्शन यहाँ पर, ये 9:05 पर आता है और 9:07 पर रवाना बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अड़ियालूर यहाँ पर, ये 9:40 पर आता है और 9:41 पर रवाना बबरत का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद सिरांगम यहाँ पर, ये 10:23 पर आता है और 10:25 पर रवाना बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद तिरुचिरापल्ली जंक्शन यहाँ पर, ये 11:15 पर आता है और 11:25 पर रवाना बबरत का 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है। इसके बाद आता है पुडुकोट्टई, यहाँ पर ये 12:08 पर आता है और 12:10 पर रवाना बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद कराईकुड्डी जंक्शन यहाँ पर, ये 12:48 पर आता है और 12:50 पर रवाना बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद शिवागंगा यहाँ पर, ये 1:28 पर आता है और 1:30 पर रवाना बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद माना मदुरई जंक्शन यहाँ पर, ये 1:08 पर आता है और 2 बजे रवाना बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद परामाकुड्डी यहाँ पर, ये 2:23 पर आता है और 2:25 पर रवाना बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद होता है ट्रेन का सेकेंड लास्ट स्टॉपेज बड़े रामानाथापुरम, यहाँ पर ये 2:48 पर आता है और 2:50 पर रवाना बबरत का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ट्रेन का डेस्टिनेशन वो है रामेश्वरम, यहाँ पर ये सुबह के 4:10 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म में अपनी यात्रा सौंप लेती है और 601 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।